उत्तर प्रदेश से लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर नया नोटिस आ चुका है। यहाँ पर कौन सा मोबाइल मिलेगा, कितने टैबलेट मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 25 नवंबर से सभी को मिलना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है दोस्तों। 1 लाख रुपए का टैबलेट मिलेगा, साफ साफ यहाँ पर ट्वीट करके बताया गया है कि 1 लाख रुपए तक यहाँ पर टैबलेट मिलेगा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। 9,000 रुपए का स्मार्टफोन आपका मिलेगा, कौन सी कंपनी का मिलेगा ये पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि डेट क्या है, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है आज ही की डेट में। यहाँ पर देख सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अगले महीने में बांटे जाएंगे स्मार्टफोन, युवाओं को अगले महीने में बांटे जाएंगे स्मार्टफोन। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के दैनिक जागरण में यहाँ पर छपा हुआ है, ये भी आज के दैनिक जागरण में है, युवाओं को दिसंबर से पहले मिलने लगेगा टैबलेट व स्मार्टफोन। 25 नवंबर तक आमंत्रित किए गए टेंडर, तो यहाँ पर 25 नवंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। सभी कैबिनेट को यहाँ पर सतर्क कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका ट्वीट सीधा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि स्मार्टफोन को बांटे जाएंगे, युवाओं को अगले महीने में बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप को पढ़ लेना। यहाँ पर देख सकते हैं कि योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन व टैबलेट बांटे जा रही है। ग्रेजुएट व कई खूबियों ये से युक्त होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी है। इसके संबंधित डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। 25 नवम्बर तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग 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 कंपनियों का चयन करके उन्हें अलग अलग आपूर्ति का हिस्सा जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को 1 लाख रुपए का टैबलेट व 9,000 रुपए का स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी बड़ा बड़ा आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए की कीमत का टैबलेट दिया जाएगा, 9,000 रुपए की कीमत का स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है। ये डायरेक्ट हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है, कोई फेक नहीं, उन्होंने ये न्यूज़ को पब्लिश किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अगले महीने में बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट ये। लेकिन यहाँ पर अभी कौन सी कंपनी का मिलेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। अभी कंपनी को टेंडर दिया गया है, 25 नवंबर तक वो कंपनी पूरा टेंडर आप सरकार के हाथ में मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन और टैबलेट आ जाएगा तो उसे बांटना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर यूपी फ्री लैपटॉप स्मार्टफोन योजना, कॉलेजों के लिए बना सिरदर्द, छात्रों का डाटा भेजना, यानी कि कई कॉलेज के लिए सिरदर्द बन चुका है कि कानपुर यूनिवर्सिटी लगातार अपने कॉलेज से डाटा मांग रही है कि हर हाल कॉलेज वालों को हर हाल में अपने स्टूडेंटों का डाटा भेजना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो आपने अभी तक कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया है तो जाकर के, पहले तो यहाँ पर 15 नवंबर तक डेट थी लेकिन अभी आपके किसी कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं गए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी तक, तो अपने कॉलेज से पता करिए और 25 नवंबर से पहले अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट को जमा कराइए, अपना फॉर्म भरिए। तो यहाँ पर सारा न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण में आज का न्यूज़पेपर छपा हुआ। अगर आपको विश्वास न है तो आज का दैनिक जागरण खुद उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। लैपटॉप और टैबलेट के, लैपटॉप यहां पर अभी नहीं दिया जाएगा, स्मार्टफोन टैबलेट के अकॉर्डिंग जो भी आपके सवाल जवाब हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं अगला वीडियो उसके टॉपिक पर बना सकूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।